प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी क्रम में लोरमी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। 17 सितंबर से प्रारंभ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर साफ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करने और जन भागीदारी बढ़ाने के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं, युवाओं, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता के कार्यों से जोड़ने प्रदेश भर के 1800 स्कूलों, 105 कॉलेजों और 45 आईटी कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 5 लाख लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। इसी कड़ी में राजीव गांधी वाणिज्य महाविद्यालय और कोतरी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। लोरमी विधायक उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता परंपरागत रूप से हमारे स्वभाव और संस्कार में रहा है। 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक तो स्वच्छता का पखवाड़ा चल रहा है। तो हमारे जो NSS वॉलंटियर है महाविद्यालय में इतने दिनों से लगातार अपने जगहों पर साफ सफाई कर रहे हैं। महाविद्यालय में भी साफ सफाई की गई है, तो इसी के तहत आज जो है महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं और महाविद्यालय के तो सारे स्वच्छता जो है जन आंदोलन बन गया है और वास्तव में स्वच्छता हमारे स्वभाव में रहा है, संस्कार में रहा है। और छत्तीसगढ़ में हमने इसी को स्वच्छता परमो धर्म, क्योंकि स्वच्छता कितना महत्व रखता है ये बात को बताता है कि हमारे चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, सब ने स्वच्छता के महत्व को प्रतिपादित किया है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। और इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में आज तय किया कि छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज पूरे प्रदेश में एक साथ स्वच्छता की शपथ लेंगे, ताकि बच्चों में भी जागरूकता हो और वो उस जागरूकता को फैलाकर हमारे प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में काम करें।